शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हट जाओ मेरे रास्ते से। हम इस लड़की को बर्बाद कर देंगे। आज इसके कारण हमारी माँ हमारा चेहरा नहीं देखना चाहती। अब हम इसका ऐसा हाल करेंगे कि ये खुद का चेहरा भी नहीं देखना चाहेगी। वो लड़की कहाँ गई? ये जगह कितनी अजीब है। ऐसा अजीब महल है और अम्बे माँ की एक छोटी सी मूर्ति भी नहीं है यहाँ। मेरे गांव में तो छोटे से छोटे घरों में भी बड़ी बड़ी मूर्तियां या तस्वीरें हुआ करती थी अम्बे माँ की। जहां मैं रहूं वहां मेरी अम्बे माँ ना रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस तरह से अम्बे माता की सुंदर प्रतिमा तैयार की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। मैं खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शक्ति कमजोर हो गई है। क्या हो रहा है? कनक, जाओ जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ।
जी। पता नहीं रानी माँ, एकदम से सारे शरीर में जलन होने लगी, इसलिए मैंने पानी अपने आप पे डाल लिया। मेरा सर दर्द ठीक करने के बजाय बढ़ा दिया तुमने। इससे पहले कि मैं माँ बेटी को मार डालूं, ले जाओ इनको मेरी नजरों से दूर। मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? कितनी जलन क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शरीर में आग लगा दी हो। आज तुमने जो हरकत की है ना मंदाकिनी, वो माफी के लायक नहीं है। अब देखो मैं क्या हाल करती हूँ तुम्हारे। कोशिश कर रहा हूँ नीचे आने की, पर ना जाने क्यों आ नहीं पा रहा हूँ और ना ही अपना मानव रूप धारण कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। कोई तो शक्ति है यहाँ जिसने हम सबकी शक्ति कम कर दी है। कौन कर सकता है ऐसा? कौन है यहाँ? मुझे बहुत चिंता हो रही है पंडित जी, पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची, किस हाल में है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। पंडित जी, दीदी ठीक तो होंगी ना? बताइए ना पंडित जी, कुछ पता लगा क्या? परिगण संतन पर जब जब भाई सहाय मात तुम तब तब। सुनैला के ऊपर साक्षात अम्बे माँ की कृपा है और कहते हैं ना कि माँ अम्बे जिस पे सहाय हो शत्रु भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। आप लोगों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
क्या हो रहा है? इस कौए के आने से पूजा के फूल काले क्यों पड़ गए और ये अग्नि भी बुझने गए? कैसा संकेत है महापंडित जी? वही जो सर्वविदित सर्वमान्य है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा भी है, पर जीत सदैव अच्छाई की होती है। इसका मतलब क्या है पंडित जी? यही कि सुनैना बिटिया के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद भी है और उसके ऊपर कोई काली साया भी मंडरा रही है। आखिर कहाँ है मेरी सुनैना? मुझे शक्ति देना, मैं इस अत्याचार और उन अत्याचारियों से लड़ सकूं और जल्दी यहाँ से निकलकर अपने घर जा सकूं, अपनी नानी के पास। पता नहीं मेरे बिना नानी और तारा का क्या हाल हो रहा होगा, कितना परेशान हो रहे होंगे दोनों। उनका भी ख्याल रखना माँ, बस आपका ही सहारा है माँ, हमें रक्षा करना माँ, रक्षा करना। किसी ने मेरी शक्तियों पर प्रहार किया हो। कोई तो है जो चंद लेखा को कमजोर कर रहा है। जो भी हो, मैं विनाश करूंगी उसका। मैं अभी पता लगाती हूँ कि ये सब कौन कर रहा है। पता नहीं, जब से वो लड़की इस महल में आई है तब से कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा है। कहीं उन सब के पीछे इस लड़की का तो हाथ नहीं है? चंद्रलेखा से टकराना चाहती है वो जानती ही नहीं। चंद्रलेखा वो चट्टान है जिससे टकराने वाला दूर हो जाता है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सुनैना की रक्षा के लिए हम महा आरती करें। सुनैना की रक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे। लगता है ये लड़की अपनी मौत बुला रही है। आज के दिन को उसके जीवन का आखिरी दिन बना दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, मार डालूंगी। इतनी मधुर आवाज, पर ये आवाज है किसकी? माँ
माँ आप ठीक है ना? माँ ठीक नहीं लग रही है, बताइए ना क्या हुआ? बस थोड़ी थकान हो गई। माँ थकान है तो आपको आराम करना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप चलिए मेरे साथ चलिए। वो हमें कुछ काम था। ये आवाज आ रही है? हाँ माँ। कहाँ से आ रही है ये? पता नहीं माँ, हम भी यही देखने के लिए आए थे कि ये आवाज किसकी है। सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनैत्य भीतियते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये आवाज तो रसोई से। हम हमने उस दासी को रसोई में बंद किया था। रसोई में उस लड़की को? रसोई में क्या कर रही है वो? क्या हो रहा है? मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? कोई तो बचाओ। मुझे माफ करना कनक, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी शक्तियाँ समाप्त हो गई है। माँ ये क्या हो रहा है? मुझे माँ मेरी मदद करो। ये क्या हो रहा है? मुझे मेरा पूरा शरीर। ये किसकी शक्ति है जिसने हम सबको शक्तिहीन कर दिया? अधिराज ने मुझे रोकने की हिम्मत की, वो भी इस लड़की के कारण। अब इस लड़की को मार कर मुझे ये सब रोकना होगा। क्या हुआ इन्हें? ये तुम पूछ रही हो? ये जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। हमारी मां का सपना था कि हमारा विवाह कनक से हो जाए, और आज तुम्हारी वजह से उनका वो सपना भी टूट गया। और इतनी भोली बनकर पूछ रही हो कि क्या हुआ है? देखो
किस मिट्टी की बनी हो तुम? इतना सब होने के बाद भी तुम्हें मनोरंजन सूझ रहा है? पहली बार इसे मनोरंजन नहीं भक्ति कहते, भक्ति कहते, भक्ति कहते। और तुम किस मिट्टी के बने हो जो तुम्हें अम्बे माँ की प्रार्थना से परेशानी हो रही है? परेशानी? परेशानी नहीं होगी हमें। आज हमारी माँ की ये हालत हुई है, ना तुम भजन गाती, ना हमारी माँ यहाँ आती, ना उनकी ऐसी हालत होती। अम्बे माँ के भजन सुनकर लोगों की तकलीफ दूर होती है, बढ़ती नहीं। पूजा पाठ भक्ति आराधना तो वो औषधि है जो तन की बीमारी और मन की बुराई दोनों को दूर करे। पर तुम ये बात नहीं समझो। ए लड़की, तुम्हें यहाँ पर सेवा करने के लिए रखा है, ज्ञान देने के लिए नहीं। इसलिए बात बात में ज्ञान देना बंद करो माँ। और तुम्हें यहाँ भोजन बनाने के लिए रखा था ना, और तुम यहाँ भजन गा रही हो। कान खोल कर सुन लो, अगर हमारी माँ को समय पर भोजन नहीं मिला ना, तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। ना फिर तुम ज्ञान दे पाओगी और ना ही भजन गा पाओगी। कनक, स्वराज, कहाँ है सब? मुझसे लड़ने से बेहतर है तुम इन्हें पानी पिलाओ। ये लो। तुम भोजन बनाओ। आइए भोजन कीजिए। क्या हुआ माँ, मुंह खुली? ये कैसा भोजन है? हम ये भोजन नहीं कर सकते। आखिर कौन है ये लड़की? ऐसी कौन सी शक्ति है उसके पास?